केरल के कोझिकोड से खबर है, जहां पर सुबह सुबह एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक फ्लाइट में आग लगने का अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी कि विमान ने 17 यात्रियों के साथ कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ान भरी थी। विमान के कार्गो में आग लगने की बात सामने आ रही है। प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ान भरी गई, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में अचानक आग लगने की चेतावनी वाला अलार्म बज गया, जिसके बाद पायलट ने बिना समय जाया किए केरल के कोझिकोड में आपातकालीन लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद पायलट को पता चला कि विमान के कार्गो डिब्बे में आग लगी थी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।